लगभग हरेक बुलारा जो भी इत्थे आउंदा आपदी गल फतेह दी सांझ पा के शुरू करदा, फिर थोड़े नाल विचार पेश करदे और फतेह दी सांझ पा के आपां गल खत्म करदे आं। पर सवाल यह है कि साडी असल फतेह कदों होगी जां साडी फतेह क्यों नहीं हो रही। पंजाब बहुत लंबे समय तो संघर्ष करता आ रहा, कदे केड़ी मंग नूं लैके कदे केड़ी मंग नूं लैके। ज़्यादा दूर ना जाइए दे पुराने दो संघर्षां दी आपां गल कर लईए तां पहला सीगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जदों बेअदबी होई असी साडे मन च बहुत रोह उठिया, असी सड़कां ते आए, असी उहदे च हालांकि नौजवान भी शहीद करा ले पर दोषियों नूं सज़ा नहीं दवा पाए। ये त्रासदी रही है। आई थिंक और उस तो बाद दूसरा वड्डा संघर्ष उस तो बाद जो बेसिकली मेरी उम्र के मुंडिया ने वेख्या, नौजवानों ने जो असी वेखते हैं, जो इस तो पहला संघर्ष चलते रहे वो हंढ गए ने ज़्यादातर। बेसिकली वो लोग बुढ़े हो गए ने जां असी बेसिकली अखी संघर्ष नहीं देखा ये पीढ़ी ने कोई ज़्यादा। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी तो बाद फिर उस तो बाद हुण लोग सड़कां ते आए ने किसानी दे रोह करके। असी कह दिंदे जी सरकार साडे नाल धक्का करदी आ, कांग्रेस माड़ी आ, अकाली माड़े आ, नहीं चंगे कोई शक नहीं। पर सवाल यह कि असी आप किन्ने क चंगे आ, असी आप कित्थे खड़े आ। हज़ारां गुरु घर ने पंजाब दे विच, सवेरे शाम अरदास भी हुंदी आ और असी हाथ जोड़ के मंगदे आ बख्शो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान। और असी ये एड्डी वज्र कुरैत कर रहे हैं कि हाथ जोड़ के चीज़ मंग के आप ही असी बाद च केस कटाउंदे आ। फिर असी कहिंदे साडी खुआरी दा कारण की आ। अच्छा चलो घर च कोई प्रोग्राम होवे, खुशी दा मौका होवे, असी महाराज दा प्रकाश कराउंदे आ, सुखमणी साहिब दा पाठ कराउंदे आ, असी अखंड पाठ साहिब कराउंदे आ, सहज पाठ कराउंदे आ और उस तो बाद उस ही घर च शाम नूं शराब भी चलदी हुंदी और डीजे भी चलदा हुंदा। गलती किहदी आ? जे कोई बंदा फट्टड़ हो जाए ना, एक्सीडेंट हो जाए, असी उहनूं डॉक्टर दे लै जाइए, डॉक्टर उन्होंने महीना उत्थे हफ्ता दाखिल रखे, उहदी मलहम पट्टी करे और उन्होंने परहेज दसे कि तू घरे जाके आह कम नहीं करना, तू टंके नहीं खोलने, तू दवाई सही तरीके नाल लैनी आ। और जे मरीज घरे जाके कहे मैं कुछ भी नहीं करता, उहदी तंदुरुस्ती किद्दां होऊ? जिन्ना मजाक असी कर रहे हैं आपदे गुरु नाल शायद कोई नहीं कर रहा। चलो मान लिया कि असी गुरबाणी की समझ बहुत उच्ची सुची है, शायद एक आम बंदे दी समझ नहीं आ रही, अभ्यासी सिख दे भी बहुत सारिया गल्लां पकड़ च नहीं आउंदियां। पर जो संघर्ष असी अज लड़ रहे हैं ना, इहदा हल सानू 300 साल पहलां दस गए सी गुरु साहब। सानू क्या, सानू 52 अनमोल वचना सीधे सरल शब्दों के सानू उदेश दे के गए ने, सानू दस्या कि किहदे नाल वरतना किहदे नाल नहीं वरतना, सहुं खवाउण वाले ते इतवार करना कि नहीं करना, असी आपदे कार विहार किद्दां करने आ। पर असी वह गल मन्नी नहीं। सानू विशेष तौर पर लिखा कि राजनीति पढ़नी, इहदा जो अज का मसला आपां कहिंदे राजनीतिक मसला है, असी अकाली कांग्रेसियों नूं माड़े कहिंदे आ जां चलो कोई भी पोलीटिकल पार्टी असी उहदे विच उंगल चकदे आ कि ये बड़े खराब करदे आ सानू, पर फिर भी असी जिता दिंदे उहनां नूं। क्यों? क्योंकि वह साडे नाल राजनीति वरत जांदे ने। और सानू एक सुचेत किया गुरु साहब ने कि राजनीति पढ़ो ताकि तुहाडे नाल कोई वरत ना जाए, होरना धर्मां दीआं पुस्तकां पढ़ो ताकि तुहानूं पता लगे कि बाकियां दी राजनीति चलदी किद्दां। पर असी पढ़ाई तो बहुत दूर हो गए। मैं इत्थे प्रबंधक वीरां नूं भी कहा सी, मैं कि तुहाडे कोल इत्थे एक स्टॉल होनी चाहीदी आ कि जिहदे च तुसीं किताबां डिस्ट्रीब्यूट कर सको। आई एस ओ मेरा ओपीनियन जरूर रखणगे वीर मेरे। हुण इन्ना असी दर्द हंडाई जांदे आ पर 239 साल लाए गुरु साहबां ने, उन्होंने जीवन जो काल है, वह जो उन्होंने गल की वह तो असं बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहे। सानू सारे मसलों का हल सानू दस गए ने ऑलरेडी असी। अच्छा एक जे आप दुनियावी तौर पर भी देखिए ना, एक सिंपल हल की है,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਕਣਕ ਨਾ ਬੀਜੋ, 2 ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਫਾਹੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੈ ਲਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਲਏ, ਟੋਲੇ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ 84 ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਹੰਢਾ ਲਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਆਪੇ ਤੋਂ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।